ठंडी का मौसम चल रहा है और कई लोग तो गरम गरम बिस्तर का मजा ऐसे ले रहे होंगे जैसे गर्मी में स्विमिंग पूल में नहाने का मजा। लेकिन जब आप उन्हीं बिस्तरों में से अपना पैर निकालकर बाहर जाते हैं तो आपके चेहरे पर ठंडी ठंडी हवा का तेज झोंका सारे मजे को किरकिरी कर देती है। विंटर के सीजन में इन ठंडी ठंडी हवाओं को सांस लेने पर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या COPD, जिसे हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज के नाम से जानते हैं, उन बीमारियों को जोखिम भर जाता है। ठंडा तापमान हमारे छाती में जकड़न, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसी लक्षणों को ट्रिगर करती है। यदि आप स्वस्थ हैं और आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, चलिए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं मेडिको सुमित, स्वागत करता हूं आपको इस हेल्थ के न्यूज सीरीज में। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके हमारे हौसलों को बढ़ाइए। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। जब हम घर से बाहर निकलते हैं और ठंडी ठंडी हवाएं जब हमारे श्वास नली में पहुंचती है तो ऊपरी वायु मार्ग को नैरो कर देती है। नैरो का मतलब कि ऊपरी श्वसन मार्ग सिकुड़ जाते हैं। साथ ही साथ जब हम उन शुष्क हवाओं को सांस में लेते हैं तो हमारे वायु मार्ग में उपस्थित तरल पदार्थ की परत सूख जाती है, जिससे हमारे श्वास नली में जलन और सूजन पैदा हो जाती है और हम बोलते हैं कि हमारे गले में खराश हो गई है। और जब वायु मार्ग सिकुड़ जाएगी तो जो हवा हम एक मिनट में 8 लीटर लेते थे, अब वो हवा 8 लीटर से एक मिनट में कम आएगी। ठंडियों के मौसम में हमारे फेफड़ों में काफी ज्यादा मात्रा में भी बलगम बनने लगता है, क्योंकि यही बलगम कफ हमारे फेफड़ों को बाहरी बैक्टीरिया के आघात से बचाता है। बलगम एक सुरक्षात्मक परत होता है जो कि अगर अधिक मात्रा में बनने लगे तो हमारे श्वसन तंत्र में रुकावट पैदा होती है और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो अभी मैंने जितनी भी बातें बताई उन सभी बातों से पता चलता है कि सर्दी में हमें सांस लेने में तकलीफ क्यों होती है। अब चलिए देखते हैं कि इसके घरेलू ट्रीटमेंट क्या है। नंबर 1 पर आता है अदरक। अदरक में काफी अच्छा एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है, अर्थात हमारे श्वास नली में अगर किसी भी तरह का सूजन, हल्के दर्द हो तो अदरक का सेवन करने से काफी राहत मिलता है। नंबर 2 पर आता है ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी में कैफीन पाया जाता है जो कि ब्रोंकोडाइलेटर का काम करता है और हमारी बंद श्वास नलियों को खोलता है, जिससे सांस लेने में परेशानी से राहत मिलती है। नंबर 3 पर आता है भाप लेना। स्टीमिंग गले की मसल को रिलैक्स करती है, साथ ही सूजन को दूर करती है। भाप लेने से हमारी ब्लड वेसल्स की सिकुड़न दूर होती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमें आराम मिलती है। नंबर 4 पर आता है लंबी सांस लेना। इसमें आपको योगा की पोजीशन में बैठकर या बेड पर लेट करके अपने हाथों को पेट पर रखकर लंबी सांस लेना चाहिए और उतना सांस लेना चाहिए जितना आपके फेफड़े में भर सके। फिर उस वायु को तब तक अंदर रखना है जब तक आप सहम कर सके। उसके बाद आराम आराम से आपको उस एयर को छोड़ देना है। चलिए अब इस योग की मदद से अपनी लंग की क्वालिटी को चेक करते हैं। यहाँ तक रुके हैं तो वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।